नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दिन भर के राशियों के हाल के साथ और आज अलग अलग राशियों के लिए आज की सलाह के साथ एक बार हम फिर हाजिर हैं। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है शनि का रत्न नीलम। आखिर नीलम से लोग इतना डरते क्यों हैं और नीलम इतना ताकतवर क्यों होता है, किसको नीलम पहनना है, किसको नीलम नहीं पहनना है, इन तमाम विषयों पर आपके साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे, देंगे आपके सवाल का जवाब। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। बात सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन राशि की। मेष राशि, आपके कार्यक्षेत्र में समस्या की आज संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और इस चक्कर में कहीं ना कहीं मन भी परेशान दिख रहा है। आज सर्दी जुकाम की चपेट में आ सकते हैं, सेहत कमजोर रह सकती है। आज की सलाह ये है कि जिंदगी है तो मुश्किलें रहेंगी, इसलिए हिम्मत मत हारिए, ये समय हमेशा नहीं रहेगा। दही खाकर घर से निकलेंगे तो दिन आपका बेहतर रहेगा। वृष राशि, तमाम समस्याओं का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है आज और परिवार में खुशहाली भी आ रही है और लगता है घूमने फिरने जाएंगे, थोड़ी मार्केटिंग भी करेंगे। आज की सलाह यह है कि फिजूल खर्ची से बचें और अपनी चीजों को दूसरों पर इंपोज ना करें, थोपे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे। आज क्रोध बढ़ सकता है, बेवजह तनाव बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कोई मुश्किल होती है तो सितारे कह रहे हैं आज आपको बड़ों का सहयोग मिलेगा, इसकी वजह से आप मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे। आज की सलाह ये है कि कम से कम परिवार में जीवन साथी के साथ विवाद ना करें, शांति बनाए रखें और अगर कोई मुश्किल दिखाई देती है ना तो गुलाबी रंग के वस्त्रों का प्रयोग करके आप मुश्किल को हल कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर नीलम रत्न होता क्या है, इसकी विशेषता क्या है और इसका महत्व क्या है। नीलम मुख्य रूप से जिस ग्रह का रत्न है उसका नाम शनि है। शनि का मुख्य रत्न है और शरीर में पांच तत्वों में से वायु तत्व को नियंत्रित करता है। चूंकि इसका रंग नीला होता है सामान्य रूप से, इसको इसीलिए नीलम कहते हैं। हालांकि नीलम बहुत सारे और रंगों का भी पाया जाता है। इसका वास्तविक नाम होता है शनि प्रिय और वो बाद में अंग्रेजी में हो गया सफायर। शनि से लाभ लेने के लिए, शनि को संतुलित करने के लिए नीलम पहना जाता है और इससे लाभ भी होता है। लेकिन चूंकि हमारे शरीर में नीले रंग का जो भूमिका है, जो पार्ट है ना, वो बड़ा ही रहस्यमयी है, बड़ा ही ऑकल्ट टाइप का है, इसीलिए नीलम धारण करने में बहुत सावधानियां रखनी चाहिए। बिना ठीक ठीक जांच के और बिना सही सलाह के अगर आप नीलम पहनेंगे तो खतरनाक हो सकता है। और गलत सलाह से अगर नीलम पहनेंगे और आपके शरीर के साथ अगर इसका रिदम नहीं बैठ पाया, वाइब्रेशन नहीं बैठे ना, तो आपका जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा। नीलम धारण करने की सावधानियां क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, स्थान परिवर्तन के मजबूत योग बने हुए हैं। फिलहाल चंद्रमा प्रबल दिखाई दे रहा है, रिश्तों में सुधार हो रहा है और आर्थिक लाभ की संभावना भी बनी हुई है। आज की सलाह ये है कि जो चीजें इंप्रूव कर रही हैं उनको एकदम से कहना मत शुरू कर दीजिए। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें और किसी धार्मिक स्थल पर जाएं ताकि मन को मजबूती मिले, मन की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएं। सिंह राशि, आज वाद विवाद ना हो जाए इसका ध्यान रखें। आज का माहौल गर्म दिखाई दे रहा है, खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, प्रेशर बहुत है आज, तो आज थकान महसूस कर सकते हैं। सलाह यह है कि खान पान में लापरवाही ना करें और आज घर से निकलते समय जरा सा घी खा लेंगे तो कम से कम दिन आज का बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं, उन अवसरों को पकड़ लेना चाहिए। स्थान परिवर्तन की संभावना बनती है और अगर ऐसा हो रहा है तो निकल लीजिए। माता की सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। याद रखिए, आपको हर तरह की लापरवाही से बचना है और आज सफेद वस्तु का दान करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। नीलम के साथ बड़ी सारी झूठी और सच्ची बातें जुड़ी हुई हैं। लोग कहते हैं कि नीलम पहनने से आदमी 24 घंटे में मर जाता है, बर्बाद हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। सच क्या है और गलत क्या है, आइए आपको बताते हैं। माना जाता है कि नीलम तुरंत फायदा और तुरंत नुकसान पहुंचाता है, तुरंत ही व्यक्ति को उतार और चढ़ाव दिखाने लगता है। लोग ये भी कहते हैं कि ये व्यक्ति को जीवन और मृत्यु तक पहुंचा देता है, मरने जीने का सवाल पैदा हो जाता है। सच क्या है? सच ये है कि ये नुकसान बहुत तेज करता है, क्योंकि जो नीले रंग का नीलम होता है ना, शरीर में नीला रंग होता ही नहीं है, इसीलिए एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है। तो लाभ देने में सामान्यतः 15 से 20 दिन का वक्त लगता है। हाँ,
अगर ये नुकसान करेगा तो तुरंत करेगा, लेकिन फायदा करेगा तो टाइम लेगा। और नीलम तभी बहुत ज्यादा नुकसान करेगा जब आपका समय खराब हो। एक तरफ समय खराब हो और दूसरी तरफ आपने गलती से नीलम पहन लिया, तब दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज ऐसा भयंकर नुकसान कर जाए कि मरने जीने का सवाल पैदा हो जाए, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि के हाल की, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। रचना ने हमें मेल लिखा है, नई दिल्ली से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 24 फरवरी 1973, जन्म का समय है सुबह की 6 बजे, जन्म का स्थान है नई दिल्ली। ये लिख रही हैं कि इमोशनल भावनात्मक समस्याओं से बहुत परेशान हैं और इमोशनली दिक्कतें बहुत होती हैं, बात बात में रोने का मन करता है, कभी डिप्रेशन हो जाता है, मन में जो खुशी आनंद का भाव है वो नहीं रहता है, मन को कैसे ठीक करें बहुत प्रयास कर रही हैं, ठीक नहीं हो रहा है। रचना जी, एक बात तो आपको बता दूं कि आपका जन्म फरवरी के महीने का है ना, और उस मौसम को अमूमन हम शिशिर ऋतु कहते हैं, शनि उस मौसम का स्वामी होता है, तो शनि वैसे भी ड्राइनेस पैदा करता है, और जिस मौसम में हमारा जन्म होता है ना, हमारे मन का निर्माण भी उसी मौसम से होता है। तो शनि प्रधान मौसम में जन्म लेने पे जो मन होता है वो अमूमन सेंसिटिव ज्यादा हो जाता है। अब यहां पर ड्राइनेस ज्यादा है, शनि कुंडली में मजबूत भी बहुत है, ऐसी दशा में मन का परेशान होना, मन का बार बार उदासी की तरफ जाना बहुत स्वाभाविक है। और शनि को जो बैलेंस करता है जो प्लेनेट, उसका नाम चंद्रमा है, इसीलिए चंद्रमा भी कमजोर है, मुश्किल ज्यादा हो रही है, तो चंद्रमा को मजबूत करके और थोड़े से मंत्रों का जप करके इस स्थिति को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला काम आप ये करें, एक मोती बनवा के पहन लें, तकरीबन 14-15 कैरेट का मोती होगा, थोड़ा बड़ा मोती होगा, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात को पहनना है आपको। दूसरा, खाने पीने में सावधानी रखिए, तेल मसाले, फास्ट फूड, बाहरी चीज़ें, बासी खाना ये जरा कम खाइए। तीसरा ये है कि सुबह शाम दोनों समय आपको बोल बोल कर उच्चारण कर करके गायत्री मंत्र का जप करना है, 108 बार सुबह 108 बार शाम को। ये उपाय अगर निरंतर किए जाए तो मुझे लगता है 1.25 महीने में आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। बात करेंगे कि नीलम किनको पहनना है और किनको नहीं पहनना है, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए आज का राशिफल क्या है। तुला राशि, रोजगार में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है और संतान पक्ष की तमाम चिंताएं भी दूर हो रही हैं। किसी मनोरंजक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, इस बात की संभावना भी बनी हुई है। आज की सलाह ये है कि चीजें वैसे तो ठीक हैं, लेकिन अभी नया कार्य ना करें और बेवजह फिजूल खर्ची ना करें, धन खर्च पर भी थोड़ा ध्यान बनाए रखें। वृश्चिक राशि, सेहत बहुत मजबूत नहीं दिखाई देती, सेहत कमजोर दिख रही है, ऑफिस में झगड़ा हो सकता है, बेवजह विवाद हो सकता है, इसलिए शांत रहें। हालांकि देर शाम आपको उपहार की प्राप्ति होगी और इससे आपका दिन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आज की सलाह यह है कि दूसरों की बात भी सुननी चाहिए आपको, और साथ ही साथ अहंकार करने से बचें, अहंकार में ऐसा ना हो कि नजदीकी संबंध आपके खराब हो जाए। धनुराशि, मुकदमेबाजी की नौबत आ सकती है, क्रोध बढ़ सकता है और सेहत बिगड़ सकती है। आज बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा चीजों को मैनेज करने में, चीजों को कंट्रोल करने में। आज की सलाह यह है कि घर से निकलते समय पूजा के फूल लेकर निकलें, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचें, और किसी को कोई वादा ना करें, ऐसा हो सकता है कि इस वादे के चक्कर में आप किसी मुश्किल में आ जाएं। अब जानते हैं कि किनके लिए नीलम धारण करना शुभ होगा और किनको भूलकर भी नीलम नहीं पहनना चाहिए। मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न के लिए नीलम शुभ होता है। याद रखिए, मैं लग्न की बात कर रहा हूं। मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न के लिए नीलम शुभ होता है। वृष लग्न और तुला लग्न के लिए नीलम सबसे ज्यादा बेहतरीन होता है। मेष लग्न में विशेष दशाओं में नीलम पहन सकते हैं, लेकिन कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न में नीलम भैया कभी मत पहनिएगा। ऐसे लोग नीलम कभी ना पहने जिनको मूड स्विंग्स होते हैं ना, अगर ऐसे लोग नीलम पहन लें तो मूड खराब हुआ, शरीर ने निगेटिव चीजों को आगे बढ़ाया तो कुछ कदम उठा लिया। तो जिनको मूड स्विंग होते हैं, जो लोग बड़े मूडी है ना, उनको नीलम नहीं पहनना चाहिए। ऐसे लोग भी नीलम ना पहने जिनको कोई गंभीर बीमारी है, जिनको कैंसर हो गया है, ट्यूबरक्लोसिस हो गई है या कोई कार्डियो की गंभीर समस्या है, अगर ऐसे लोग भी नीलम पहने तो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी।
अगर नीलम आपके लिए शुभ है भी, कितना भी अच्छा है, तब भी इसकी जांच करके पहने। पहनने के पहले रात भर अपने सिरहाने रखकर सोएं। अगर रात भर आराम से सो पा रहे हैं, दिक्कत नहीं हो रही है, तभी नीलम आपके लिए सूटेबल है और तभी नीलम आपको पहनना चाहिए। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, आपकी दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा आज। लेकिन भैया, बेवजह सहयोगियों के साथ विवाद न हो, इसका ध्यान रखेंगे। आज की सलाह यह है कि साझेदारी के मामलों में, पार्टनरशिप के मामलों में सावधानी रखें और सुगंध का प्रयोग करें तो दिन आपका बहुत सुंदर रहेगा। कुंभ राशि, आपके करियर की तमाम समस्याएं कम होंगी, करियर की दिक्कतें दूर होंगी और आपको धन का लाभ भी यकीनन होगा, लेकिन आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है, तो जरा पार्टी कम मनाइए, खाना कम खाइए, पेट खराब ना हो जाए। आज की सलाह यह है कि अपने रूटीन का, अपने जीवनचर्या का ध्यान देंगे और किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान करें तो दिन बहुत सुंदर हो जाएगा। मीन राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, मान सम्मान भी मिलता हुआ दिखाई देगा, किसी प्रियजन से भेंट होगी तो दिन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आज की सलाह यह है कि चीजें कम से कम अब तो इंप्रूव कर रही है ना, इसलिए खुश रहिए, दूसरों की बातों को लेके बेवजह तनाव मत पालिए। शनि के सबसे महत्वपूर्ण रत्न नीलम के बारे में बताया और यह भी बताया कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है आज, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं, आने वाले वर्ष में आपको मुकदमों से, विवादों से छुटकारा मिलेगा, धन की तमाम समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। आपको इस वर्ष में काफी यात्राएं करनी पड़ेंगी और ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से जो इच्छा थी ना विदेश यात्रा की, वो भी इस वर्ष में पूरी हो जाएगी। लेकिन इस साल में चोट चपेट से बचना है और पेट की समस्या परेशान न करे, इसका ध्यान रखना है। इस वर्ष की सलाह ये है कि एक तांबे का छल्ला, कॉपर की रिंग अनामिका उंगली में, चाहे लेफ्ट हैंड में चाहे राइट हैंड में पहन लीजिएगा संडे को, और पूरे साल भर रोज सुबह सूर्य के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा तो वर्ष आपके लिए उत्तम होगा। आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपके दिन भर के राशियों के हाल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।